हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सत्यवता रॉय एंड मेरा आचार में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आज मेरा ट्यूटोरियल ड्राइंग का थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट कंप्लीट करने वाला हूँ। तो मैंने सेकेंड पार्ट में फिंगर का कुछ पार्ट छोड़ दिया था, तो उसको मैं सेट करूँगा इस वीडियो में। और इस वीडियो पे आप देखेंगे मैं कैसे इस ड्राइंग का बैकग्राउंड पार्ट जो है वो पूरा सेट करूँगा ओनली चारकोल पेंसिल से। तो आप वो देखेंगे और इस वीडियो को आप एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के चलने के दौरान आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने। तो इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आगे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक प्ले कर देता हूँ जो आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। और इस वीडियो को चलते चलते मैं आगे में कुछ बातें बोल दूँगा जो आपको इस वीडियो को समझने में बहुत ईजी लगेगा। तो वीडियो को देखते रहिए। सो शुरू करते हैं वीडियो को। सो लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कैसे फिंगर को फिर से सेट कर रहा हूँ। तो मैंने सेकंड पार्ट में बोला था मैं कैसे इस फिंगर को सेट करूँगा और रिंकल्स को भी। तो मैंने बोला था जो रिंकल्स को ड्रॉ करने के लिए मैं दोनों तरीका आपको बताया था। तो पहला तरीका, आप कोई भी डार्क पेंसिल हो, 4B 6B और 8B और 10B, आप उस पेंसिल के लिए को पहले डार्क लाइन लगा देना, उसके बाद सेट करके हाईलाइट कर देना। और दूसरा तरीका मैंने जो बोला था, कोई भी ब्लेंडिंग टूल्स लेके स्टम्प पेपर स्टम्प और ब्लेंडिंग टूल हो, उसको लेके चारकोल पाउडर और ग्राफिट पाउडर दोनों में से जो आपको इजी लगेगा तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे भी डार्क लाइन लगा के पहले उसके बाद सेट करके हाईलाइट करना। तो ऐसे इस तरीके से मैं पूरा फिंगर्स को ड्रॉ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए। और आगे मैं जब बैकग्राउंड को सेट करूँगा तो वहाँ पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलूँगा, तो देखिए वीडियो कंटिन्यू। तो अब मैं बैकग्राउंड सेट करने वाला हूँ ओनली चारकोल पेंसिल से। तो आप रिफ्रेश पिक में देख सकते हो बैकग्राउंड पूरा डार्क है। तो उसी हिसाब से मैं चारकोल चूज़ किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं ग्राफिक यूज़ करता तो उतना ज़्यादा डार्क नहीं हो पाता, तो इसीलिए मैं चारकोल यूज़ कर रहा हूँ। और ड्राइंग भी उतना ज़्यादा लाइट नहीं है, थोड़ा सा डार्क है, तो उसके हिसाब से मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो आप पहले मैं ड्राइंग की बॉर्डर को मेकअप कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल से, उसके बाद उसको पूरा सेट करूँगा। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले से ही आप डार्क नहीं करना, तो पहले से आपको लाइट चारकोल पेंसिल लाइट चलाना है स्ट्रोक बाय स्ट्रोक, उसके बाद धीरे से धीरे लेयर बाय लेयर आपको डार्क करना है। तो इस तरीके से आपको पूरा बैकग्राउंड सेट करना है। तो आप वीडियो को देखें तो समझ जाएगा मैं कैसे पूरा बैकग्राउंड सेट करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए। Thank you.
यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बैकग्राउंड का एक साइड ड्रॉ कर लिया हूँ और दूसरी साइड ड्रॉ कर रहा हूँ। तो वीडियो को दिखाई होगा मैं कैसे पूरा बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से आपको भी सेट करना पड़ेगा कोई भी जहाँ पर आप बैकग्राउंड ब्लैक पूरा ब्लैक करोगे। तो इसके बाद मैं ऑर्डर करने के लिए चारकोल स्टिक्स यूज़ करूँगा, तो आप वो पहले आगे देखेंगे और उसके बाद उसको पूरा ब्लेंड कर दूंगा तो पूरा सा डार्क हो गया। तो इस तरीके से मैं पूरा बैकग्राउंड सेट करना। तो इस वीडियो को बहुत अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कर देना, क्योंकि बेल आइकन क्लिक करने का रीज़न मेरा ये, मेरे इस तरह का सा और भी जो जो ट्यूटोरियल वीडियो मेरा चैनल पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा और उस वीडियो को आप पहले एंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह से ट्यूटोरियल वीडियो में और भी आगे लाऊँगा तो आपको इसके लिए बेल आइकन बटन को क्लिक करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते नेक्स्ट और कोई ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर, डू प्रैक्टिस एंड इंप्रूव योर ड्राइंग स्किल और लव योर फ्रेंड्स एंड बाय। Pacing back and forth, I don't understand why you're standing right here, all your shots have scored, no scratching.